आप बता रहे थे हमारे साथ नई मुजाहिद साहब मौजूद हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए वीजा कंसल्टेंसी करते हैं। हाँ। उनके साथ गपशप शुरू करें। हाँ जरूर, मैंने मतलब गपशप रोकी हुई है तो करें, शुरू करें। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले माइंड बिल्कुल नहीं कीजिएगा, थोड़ा सीरियस हो जाएगा। किसे था लग लें दे वीजा ताड़ी मेरे पास। ये वक्त भी आना था मुझ पे कि कौन मुझे सीरियस होने के लिए कह रहा है। एक वो परे बैठी है जिसकी हंसी नहीं रुकती और एक ये बैठा है कि जो हंसाने से नहीं रुकता। और देखो कितने सीरियस आदमी को कह रहे हैं कि आपने सीरियस रहने जी सवाल करें। आप ही सवाल करती हूँ। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लिए हसूल तालीम के लिए जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? आप अकेले आइए फैमिली के साथ है? जी मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, इसीलिए मेरी जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा इसीलिए मैं कह रहा था कि आवाज दबी दबी घुटी घुटी है, उनके क्या कंसल्टेंसी लेनी है, पहले उनको कंसल्टेंसी दे। तो मैं सीरियस बात करूंगा। मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि मैं चाहता हूँ, देखो लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, लाखों लोग जो हैं, उनको बहुत गौर से सुन रहे हैं, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही। अभी थोड़ी इजाजत दें बोलने की इनको। हाँ आप जरा हिम्मत के साथ बोले, शाबाश। जितने भी पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते हैं ना, एक तो ये वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं, इनको किसी कंसल्टेंट की या कोई एजेंट की या कोई इस तरह के लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो खुद इतने पढ़े लिखे होते हैं तो उनको चाहिए कि बगैर किसी लोगों के पास ना जाएं, खुद कोशिश करें, वेबसाइट पे जाएं, आपको यूनिवर्सिटियां मिल जाएंगी। आप एक वक्त में काफ़ी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। बजाय इसके कि आप किसी को पैसे दें, मतलब आप वेबसाइट से ये मदद ले सकते हैं। नहीं तो हमारे जैसे कई हैं जो फ्री मदद करते हैं पाकिस्तानियों की। वैसे ये भी हम आपकी खाम ख्याली है कि स्टूडेंट पढ़े लिखे होते हैं, ये इसने स्टूडेंट कार्ड पंछी ने बनाया हुआ है सफर करने के लिए, अपने नाम के इज्जे नहीं लिख सकता। बस चढ़ जाएगा मैं स्टूडेंट तो ड्राइवर तो वड्डा होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने आइल्स या टोफल में 6.5 हासिल होने चाहिए उनको। सही है पॉइंट। जो इंग्लिश के अंदर है, जिसने इंग्लिश में 6.5 लिए तो उसको मेरा ख्याल नहीं है कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे ज्यादा वीजे जो है ना वो आईटी में जो है ना स्कोप है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जितने भी हैं ना वो ह्यूमन रिसोर्स में जाते हैं, वीजा तो लग जाता है और वो गलत वीजा लेके जाते हैं। सबसे जरूरी है स्कैंडिनेविया का वीजा लेने के लिए कम से कम आपके पास वीजा 13 माह से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा। यानी कि कोर्स अगर आपको 2 साल का होगा तो आपको 13 माह का वीजा लगेगा, 6 माह की आपने पहली फीस देनी है। अच्छा, जो कि पाकिस्तानी 12-14 लाख बनता है। तो अगर आपके पास वो होगा तो आपको मेडिकल कार्ड इशू होगा, स्वीडिश आईडी नंबर या स्कैंडिनेवियन आईडी नंबर इशू होगा, जिसके ऊपर आपका मेडिकल टोटल फ्री है। सर जी मेरा स्टूडेंट वीजा लगवाए, मुझे तो भेजे ना पहले। स्टूडेंट वीजा तो तेरा नहीं लगना, तेरा चिकन वीजा लग जाएगा। सर अगर इंग्लिश ही शर्त है ना बाहर जाने की, तो सर मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। वाओ, वाकई बोल के दिखाओ। इंग्लिश 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 कहते हैं स्टूडेंट वीजा थोड़ा सस्ता मिल जाता है। लेस सस्ता, हां जी। उठे बच्चा पढ़े ना पढ़े, इतने प्यो पढ़ जाता है। प्यो पढ़ने पे अंदर। सर मेरा बड़ा एक सादा जे सवाल है, ये तो स्टूडेंट वीजे की तुसा गल कीती है, अगर वैसे कोई साडे वर्गा बंदा नॉर्मल लोग जावना चाहवन तो वो वीजा अप्लाई किवें करन? तू भी भैणों को कह दे जाके अप्लाई 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 अप्लाई। मेरा बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हां जी, ताडी शक्ल तो ही लग रहे। जो भी आर्टिस्ट होते हैं या कोई एजुकेशन के हवाले से, कोई जैसे कोई साइंसदान है या डॉक्टरेट है या कुछ और है, अगर उन्होंने किसी लेक्चर के लिए जाना है तो वहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनें बनी होती हैं वो उसको स्पॉन्सर करती हैं कि इनको हम अपने पास बुला रहे हैं अपने किसी फंक्शन के लिए, जिस पे इन्होंने इस दिन आना है और इस दिन चले जाना है और ये उसमें परफॉर्म करेंगे। कोई लेक्चर है तो लेक्चर देंगे या कोई आर्टिस्ट है तो आप ये, अगर आर्टिस्ट का वीज़ा इतनी आसानी से लग जाता है तो ये पंछी को साथ ले जाए, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ये बारिश में भीगी बिल्ली की आवाज़ बहुत अच्छी निकालता है। सर मुझे ले जाए, मैं कौवे की आवाज़ बहुत प्यारी निकालता हूँ। ना 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 ना, इतों के खेतों की तेरी बड़ी जरूरत है। सर आप एक शो ही वहाँ रख ले, हम सबका चक्कर लग जाए। अच्छी तो चीज है, 50-50 लाख जमा करवाए मुझे। अच्छा सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, जो लोग अप्लाई करते हैं उनमें से रिजेक्शन रेट क्या है वहाँ पे वीजा का? देखें जी, स्टूडेंट करते हैं ना, अगर उनका यूनिवर्सिटी से पहले ही डॉक्यूमेंट जो है ना करेक्ट होके पास होके आ जाते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपका दाखिला हो चुका है और आपका इस दिन कोर्स शुरू होना है, उससे पहले पहले आपने वीजा लेके आना है, उसमें 99% वीजा लग जाता है। अच्छा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड़ा उते खर्चा होता ना बंदे दे, तू है काट देंदा ही। 25 साल लगा के जो उधर से कमाए होते हैं ना, 1.5 साल ची वापस ले लेंदे ने।
आपको फीस लेट हो जाए ना तो बच्चा नहीं फोन करके कहता कि पापा मेरे फीस दे दो, पापा मेरे पैसे जमा करा दो। नहीं, उतो तो अंग्रेज फोन कर देता है और एडी पक्की पंजाबी बोलता हो, पैसे क्यों नहीं भेज रहा है तेरा पढ़न आया, मैं कल जमा करा जाऊंगा, अज करा, कल की होंगे बच्चे तो बोल फड़ लेते पढ़ी ना कुछ भी हो पढ़ने क्या इसके बोल उसने ऐसे नहीं पकड़ इसके बोल ऐसे फिर नहीं पूरे नाल बंदे का हाथ पोया तू तो बाहर गया ही नहीं सर यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि इतने पैसे दो आपका वर्क परमिट बना देंगे उधर जाके, ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता सर। कई लोग यहाँ से स्टूडेंट वीजे पर उधर जाते हैं और उधर जाके काम करने लग पड़ते हैं, फड़े तो नहीं जाते सर? नहीं, वहाँ पर जाके आप स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो पॉइंट्स पूरे करने होते हैं उसके साथ आप जॉब कर सकते हैं, आपकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के जाते हैं कि यहाँ से आप एक अमीर बाप के बेटे होते हैं जो यहाँ से ज्यादातर जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है वही अपनी फीसें अफोर्ड करते हैं, लेकिन उनको दूसरी तरफ जो घर का माहौल है वो गलत मिला होता है। यहाँ पर हमें किसी बच्चे को आदत नहीं होती कि बाथरूम साफ करना है, अपने किचन को साफ करना है, सीढ़ियों को साफ करना है, वो उत्थे जाके फिर ऐसा गंद पाते हैं कि लोग उन्होंने अपने घर शुरू रख देने और बाद उन्होंने कड़ देंगे ने। वो कहते हैं कभी मतलब ये घर नहीं साफ रख सकता तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर घर गंदा करने के ऊपर जो घर वाला है उसको जुर्माना लग जाता है और फिर वो बंदा तो चला जाता है लेकिन जो घर का ऑनर होता है वो उसको पे करना पड़ता है। खुद बाथरूम साफ करना आता है भाई, मुझसे टॉप का आप ही नहीं कर सकते। बेहतरीन शीशे साफ कर सकता हूँ, बेहतरीन बाथरूम साफ कर सकता हूँ। वो जिस टॉर से भाभी बैठी हुई है ना, लग रहा है कि आपसे ज्यादा अच्छा बाथरूम दुनिया में कोई नहीं साफ कर सकता। सर आप कह रहे हैं कि आपसे अच्छा बाथरूम कोई नहीं साफ कर सकता और मरियम नवाज साहब कहती है कि उनसे अच्छा कोई बाथरूम साफ नहीं कर सकता। सर मेरा आपके लिए सवाल है, स्पॉन्सरशिप वीज़े के लिए क्या सीन है? स्पॉन्सरशिप वीज़े के लिए स्कैंडिनेविया में जो लोग समझते हैं ना स्पॉन्सर आ जाएगा तो काम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत फहमी है। स्पॉन्सरशिप स्कैंडिनेविया में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन को लाओ है। ब्लड रिलेशन में सिर्फ माँ बाप सका भाई बहन आते हैं, भांजे भतीजे दूसरे रिश्तेदार खाला ताया मामा वो बिल्कुल शामिल नहीं है। मतलब मतलब पहले माँ प्यो छट गई होते नहीं, ऐसा केस हुआ था एक दफा, एक बंदा जमीन जायदाद बेच बाच के अपने अब्बे को उधर छोड़ के आया कि ये जाके मुझे स्पॉन्सरशिप वीजा भेजेगा। थोड़े दिनों बाद पता चला अब्बे ने उधर गोरी से शादी कर ली और फोन भी नहीं अटेंड कर रहा वो। उन्हें अपना रिलेशनशिप देखा, ब्लड नहीं देखा। जाना तो है नहीं, ऐवें वीजे वीजे लगे। तुसी गाना सुनो निमरा कुलू। हाँ निमरा चल कोई मल्टीपल गा दे, अज मल्टीपल गाना।
एक्सीलेंट बहुत। ये था आज का देश बुक, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि आंखें बंद होने से पहले खुल जाएं तो जिंदगी सुधर जाती है। वाह क्या बात। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।